तभी अब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आरजेडी भी दावा कर रहे हैं कि दोनों सीट उन्हीं का होगा, तो इसमें देखिए रिजल्ट स्पष्ट है और पूरा बिहार देख रहा है कि दोनों सीटों पर एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी और करीब करीब वहाँ का माहौल बन चुका है। ये दावा ला करें लेकिन सच्चाई सामने है कि पारिवारिक लड़ाई में उलझ करके ये जमानत जब्त कराने की स्थिति में है। वहाँ पर दोनों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे, राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों का जमानत जब्त होगा। सर पारिवारिक लड़ाई तेज प्रताप यादव जी का अलग होना क्या है? देखिए अब पारिवारिक लड़ाई में अब क्या कहा जाए, क्या मंशा है तेज तेजस्वी की वो तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से तेज प्रताप को जो अहमियत मिलनी चाहिए थी, जो उसे सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं दिया जा रहा है। और लालू यादव भी धृतराष्ट्र बन के लगता है बड़े बेटे के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसमें क्या सर तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? तेजस्वी यादव हैं ना नेता अभी वहाँ के, लालू जी के बाद कमान तेजस्वी के हाथ में है और तेजस्वी अपमानित कर रहे हैं, बार बार तेज प्रताप को धमकियाँ दे रहे हैं, पिता से नहीं मिलने दे रहे हैं, समय अपने खुद मिलने का नहीं दे रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है, बिहार देख रहा है कि तेज प्रताप को निश्चित रूप से वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि अब सम्मानित विधायक हैं राजद के, बड़े भाई हैं उनके, तो निश्चित रूप से सम्मान उनका हक था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि तेजस्वी उनसे घबरा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता से घबरा रहे हैं तेज प्रताप की, और उनको अपमानित करके पार्टी से बाहर करने का रास्ता खोज रहे हैं। सर अभी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में सर आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा का विकास मुद्दा है, हमने काम किया है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पूरे बिहार को नया स्वरूप दिया है, हर जगह काम हुए हैं, हर गांव में सड़क बने हैं, गली बने हैं, नली बने हैं, पानी पहुंचा है, बिजली पहुंची है, और क्या होता है, काम हमने करके दिखाया है, उस पर हम वोट मांग रहे हैं। सर अभी किसान आंदोलन चल रहा है, सर अभी लखीमपुर की घटना हुई है, इसमें अभी तक जो अपराधी हैं उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। देखिए उसके लिए छापामारी जारी है, कार्रवाई हो रही है, पुलिस वहाँ सक्रिय है और निश्चित रूप से अगर सही में जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी।